हाँ। बच्चों छोटे छोटे बच्चे मैंने कि डूब जाएंगे इधर उधर चले गए, तो फिर मैं उनको निकाल ले गया जैसे तैसे करके, छोड़ छोड़ कर चले गए यहाँ से सामान को लेकर। प्रशासन ने कोई मदद करी? मुझे कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कल पूरे दिन पड़ा रहा मैं कोई भूखा प्यास से, सब बच्चे मेरे छोटे छोटे पड़े रहे। कितना नुकसान हो गया होगा? हो गया होगा 50-60 हज़ार। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस समय नाव में हैं, और ये जो नाव है ये मथुरा प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से ये यहाँ पर संचालित की गई है, और जो कि दिन भर में तमाम लोगों को उनकी सुख सुविधाएं और उनकी मूलभूत जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये जो नाव है वो संचालित की जा रही है। और मथुरा नगर निगम जो है वो बाढ़ पीड़ित इलाकों में इसी तरह की कितनी नावें भैया लगभग चला रहा है? अभी फिलहाल में सर 7 नाव चल रही हैं। 7 नाव चल रही हैं। और कितने गांव पीड़ित हैं? गांव हैं आपके 5-6 गांव हैं। 6 गांव पीड़ित हैं तो कुल कॉलोनियां अलग हैं। 6 गांव लगभग पीड़ित हैं, 6 गांव और कुछ कॉलोनियां हैं जो कि पीड़ित हैं, और जिनमें 7 नावें अभी चल रही हैं जिनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो गांव हैं किस तरीके से गांव डूबे हुए हैं और मकान कितने कितने डूबे हुए हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं हमें, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी जो हैं वो लोग बता रहे हैं कि 5-6 फुट तक जो है वो मकान यहाँ पर डूबे हुए हैं। ये कौन सी जगह है? ये शांति आश्रम है। शांति आश्रम है? हाँ। तो यहाँ कितना पानी है? यहाँ पे तो इतना है। हाँ। आगे जाऊंगा तो डूब जाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ। आपका घर कहाँ है? यही है। ये आपका घर है इधर? हाँ। अच्छा, तो घर आपका डूब गया पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह डूब गया है। सामान घर में अंदर होगा? सामान कुछ इसमें डूब गया, कुछ ले गया मैं। अच्छा। हाँ, किराए पे ले गया हूँ। कहाँ ले गए हैं? धोली प्याऊ। अच्छा, वहाँ ले गए हैं सामान। बाकी सामान डूब गया? हाँ। नुकसान भी हुआ होगा? हाँ, नुकसान भी हुआ है। कितना नुकसान हो गया होगा? हो गया होगा 50-60 हज़ार रुपये का। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? फोर व्हीलर। अच्छा, और आपके जैसे कितने घर यहाँ पे डूब रहे हैं? घर तो काफी डूब रहे हैं, शांति आश्रम पूरा डूब रहा है। अच्छा, लगभग कितने घर होंगे वहाँ? लगभग होंगे 100 घर। 100 घर के आसपास। कोई मदद मिली आपको कहीं से? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन ने कोई मदद करी? कोई मदद नहीं करी। फिर कैसे कर रहे हैं, बसर कैसे कर रहे हैं? बसर क्या, कल गाड़ी वाड़ी लाया इधर उधर से, कर्ज वर्ज लिया। हाँ। और ले गया बच्चों को, डूब रहा तो जान तो बचानी पड़ेगी ना। हाँ। तो बच्चों को ले गया हूँ, धोली प्याऊ पे कमरा लिया है। उनसे विनती करी है, मैं दे दूंगा, चुका दूंगा कर्जा, और क्या है। तो ऐसे ही ले गया बच्चों को, अब आया हूँ देखने के लिए, कुछ निकल जाए सामान उसमें घुसा हूँ, सब निकलने लायक है नहीं। एक में सांप बैठा है, भोले बाबा बैठे, एक में उधर भोले बाबा बैठे, दोनों में आगे। दो कमरे हैं आपके? हाँ। घर में? हाँ। और दोनों कमरों में सांप बैठा है? हाँ। तो सामान निकालने के लिए आए थे आप यहाँ पे? हाँ, और सामान नहीं निकाल पा रहे हैं? निकाल पा रहा हूँ, कुछ डूब गया है सामान, कुछ डूब गया है। हाँ। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है? खाने पीने की आज ये खिचड़ी विचड़ी बांटने आए हैं। हाँ। तो मेरे बच्चे तो चले गए, अब क्या करूँगा, प्रशासन की मदद मिली नहीं। कल पूरे दिन पड़ा रहा मैं कोई भूखा प्यासे, सब बच्चे मेरे छोटे छोटे पड़े रहे। मुझे कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना कोई गाड़ी मिली, ना कुछ मिला बच्चों को ले जाने के लिए, कुछ भी सुविधा नहीं मिली मुझे। अच्छा। हाँ, मैंने यार दोस्तों से लेके पैसा लेके, और जब मैं गाड़ी ले गया, मेरे बुलाए मैंने, उनसे मैंने मदद कर ली। प्रशासन ने बोट लगाई है, नाव लगाई है? बोट लगाई, मेरे पास कोई नहीं आई। अच्छा। तो मैं बताऊं, कोई पूछने भी नहीं आया मुझे। अच्छा। हाँ। बस एक बार आए थे, बोले यहाँ से खाली कर दो, खाली करके जाऊंगा। अब जेब में पैसा भी नहीं है, कहाँ जाऊँ। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा, वैसे आधार कार्ड में शिवकांत नाम है मेरा। अच्छा। लगभग लगभग कितने परिवार परेशान है? तुम्हारे पूरे परिवार। कोई सुविधा नहीं है? 150-200 परिवार है। पानी उतरने की कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? थोड़ी राहत मिली है। हाँ। अच्छा, कैसे जाते हैं? वो भी नाव के जरिए से जा रहे हैं। अच्छा, शौच के लिए भी नाव से ही जाना पड़ता है? नाव से किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं? बंद पे जा रहे हैं। अच्छा, और ये किसका मकान है? एक चौबे जी का, इसमें मेरे साधु साहब रहते हैं। ये पक्का मकान है आपका, कच्चा है? हाँ।
कितने आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 लड़के हैं और 2 लड़की हैं और 2 हम हैं मियाँ बीवी। कहाँ हैं वो लोग? दोली प्याऊ पे हैं, बीवी तो यहीं पे है। जहाँ जहाँ कमरा लिया है आपने वहाँ छोड़ कर आए हैं, फिर सामान लेने आए हैं। कब से बढ़ रहा है यहाँ पे पानी? ये परसों से बढ़ रहा है धीमे धीमे। तो मैंने झोंपड़ी ऊपर बनाई यहाँ पे। अच्छा। त्रिपाल लाया खरीद के। तो गैया भैया आ रही थी। बच्चों छोटे छोटे बच्चे मैंने के डूब जाएंगे इधर उधर चले गए, तो फिर मैं उनको निकाल ले गया जैसे तैसे करके। अच्छा, यहाँ से तो अच्छा, यहाँ पर जितने मकान आपने बताया जैसे डूब रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पे दूर मकान आधे आधे से, लगभग आधे आधे से ज्यादा, कोई कोई पूरे डूब गए हैं। तो कोई जान माल का नुकसान हुआ? हाँ, जान माल का नुकसान तो हुआ ही है, किसी 5-6 घर टूट भी गए। अच्छा। नीचे से सबने छत पे रखा है। अच्छा। सामान किसी किसी की टूट भी गए, नुकसान बहुत भी हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। किसी के जान जाने की कोई खबर? अभी जान जाने की खबर नहीं, अभी मकान सामान डूबने मकान और सामान का नुकसान हो रहा है। जान अभी किसी की नहीं।